हाँ जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इनमें क्या प्रेजेंट होएगा, एक अमाइनो ग्रुप होएगा और सेकंड क्या है, इनमें COH ग्रुप होएगा। सो व्हाट आर अमाइनो एसिड? अमाइनो मीन्स प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप एंड एसिड मीन्स प्रेजेंस ऑफ COH ग्रुप। Another thing is depending on the position of NH2 group, कि NH2 group कौन सी position पे है, they are alpha amino acid, beta, gamma, delta and so on. Alpha amino acid total 26 हैं, जिसमें से 20 तो सारे tissues में होते हैं और 6 amino acids होते हैं, ऐसे होते हैं जो special tissues में होते हैं। So अगर हम इनके nomenclature की बात करें तो IUPAC name तो बहुत rare use किया जाता है, mostly they are known by their common name. और इनके नाम के एंड जो एंड होता है वहाँ पे सफिक्स ऐड किया जाता है INE, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानिन, INE ऐड किया जाता है। अनदर थिंग इज़ इनके नॉमनक्लेचर में ये है कि जो भी इनका नाम होता है उसके जो पहली 3 लेटर्स होते हैं उसको एज ए कोड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन का कोड हो जाएगा GLY, एलानिन का ALA, वैलिन का VAL, या वन लेटर वर्ड की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन का जी, इसका कैपिटल ए और इसका कैपिटल बी। अब इनकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। तो स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन फ्रॉम दिस हाईली एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप टू दिस बेसिक NH2 ग्रुप, तो क्या होता है, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड का काम है क्या है, प्रोटोन को डोनेट करना। बेस का काम क्या होता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करना। सो NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे वो प्रोटोन के साथ बॉन्ड बना सकती है, तो यहाँ से प्रोटोन ट्रांसफ़र हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटराइन। अब रीज़न ये है, प्रॉब्लम क्या है कि NH2 नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, तो जैसे उसने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया, उसने 4 बॉन्ड बना लिए, तो इट विल बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही कार्बोक्सिलेट ग्रुप से H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो इट विल बी कैरिंग ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो प्रोटॉन जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को दे के जा रहा है, तो इट विल बी कैरिंग नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज़ करके बॉन्ड बनाया है और इसकी वैलेंसी 3 है लेकिन ये 4 बॉन्ड बना रहा है, सो इट इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं दो पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, दिस इज़ नॉन एज डाइपोलर स्ट्रक्चर। इसको हम ज्विटराइन भी कहते हैं और इसको इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। सॉल्ट क्या होता है, जिसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। आगे हम बात करते हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या सबूत है कि अमाइनो एसिड इस तरह से नहीं, रेदर देन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइपोल, बहुत ज़्यादा सॉलेबल होते हैं वाटर में, बट दे आर इनसॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनकी डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब दे हैव लो एसिडिटी एंड लो बेसिसिटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर एसिडिक करैक्टर इसके कारण होता, कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण होता, तो कार्बोक्सिल ग्रुप यू वी नो दे आर एसिडिक इन नेचर, हाईली एसिडिक इन नेचर, तो Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। सिमिलरली अगर ये बेसिक करैक्टर शो करते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस NH2 ग्रुप, तो Kb की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको बताया कि आफ्टर द डोनेशन ऑफ प्रोटोन यहाँ पे एक कंजुगेट एसिड बेस बन गया है। जो ग्रुप यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे ये बेस एक्ट कर रहा है, इट वाज एसिडिक लेकिन यहाँ पे ये कंजुगेट बेस है। एक्चुअली कंजुगेट बेस क्या होती है, जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकती है। अब अगर आप इसे CO नेगेटिव में एच पॉजिटिव आयन डालने की कोशिश करो, ये एक्सेप्ट कर लेगा, सो इट इज एक्टिंग एज, ये कौन सा करैक्टर शो कर रहा है, बेसिक करैक्टर। और ये अगर आप इसको बोलोगे कि प्रोटोन लूज कर दे, तो ये बड़ी इजीली लूज कर देगा, दैट मींस ये इजीली एच पॉजिटिव आयन दे सकता है, क्योंकि इसको भी होएगा कि 4 से मेरी 3 पे वापस वैलेंसी है। इसका मतलब अगर एसिडिक करैक्टर इसके कारण होता तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होनी थी, बट क्योंकि अमाइनो एसिड में ये ज्विटराइन एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे एसिडिक करैक्टर COH ग्रुप के कारण नहीं है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ NH3 पॉजिटिव ग्रुप, तो Ka की वैल्यू क्या होगी, कम। इसी तरह से अगर बेसिक करैक्टर इसके कारण होता है, NH2 के कारण, तो ये वैल्यू काफ़ी हाई होनी थी,
बट बेसिक करेक्टर कौन शो कर रहा है, सीओ नेगेटिव ग्रुप, जो इसका इस एसिड का कंजुगेट बेस है। सो इफ यू आर अवेयर अबाउट कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट, तो आपको पता होगा जो जितना स्ट्रांग एसिड होता है उसकी जो बेस बनती है कंजुगेट बेस उतनी वीक बनती है, जो जितनी स्ट्रांग बेस होगी उसका कंजुगेट एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। सो दे हैव वेरी लो के ए एंड के बी वैल्यू, और इनकी के ए और के बी वैल्यू कम नहीं होती, बट इसकी के बी और इसकी के ए वैल्यू कम होती है। तो ये हमें क्या प्रूफ करते हैं, दैट ऑब्वियसली अमाइनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ज्विटराइन। लास्ट एविडेंस क्या है कि आईआर और रमन स्पेक्ट्रा ने भी बोला कि इनमें ये ग्रुप्स हैं, अमोनियम आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन रेदर देन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलेट ग्रुप। आगे आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन वी नो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ एनएच2 ग्रुप दे आर ए अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा एंड गामा। देन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी बॉडी किसको सिंथेसाइज कर सकती है किसको नहीं, देर आर एसेंशियल अमाइनो एसिड, देर आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसमें से हमें पता है कि 10 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है तो दे आर नॉन एसेंशियल, और 10 हम बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं कर सकती दे आर एसेंशियल, तो ये हमें बाहर से अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं। जैसे 2-3 के नाम है, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। सो अगर आप इस टेबल में देखोगे तो सारे के सारे 20 एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों मैंशनड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर करैक्टर। करैक्टर मीन्स एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर और न्यूट्रल। तो वो अमाइनो एसिड जिनमें एक से ज़्यादा सी ओ एच ग्रुप होता है उनकी करैक्टर क्या है, एसिडिक। जिनमें एक से ज़्यादा एन एच टू ग्रुप होता है उनका करैक्टर क्या है, बेसिक। और जिनमें बैलेंस है यानी कि एक ही एन एच टू है और एक ही सी ओ एच, दे आर न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, बेसिक एग्जाम्पल लाइसिन, और एसिडिक एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड। So you can see there are number of examples given here. Next है जी classification according to the nature of the side chain. तो ये COH, ये amino group, तो ये जो side chain है अब इसकी nature के according हमने classification करनी है। तो पहली है कि non polar side chain, तो पहले वो type है amino acid की जिनकी ये जो side chain होती है non polar होती है, यानी कि simply carbon hydrogen है, alkyl groups attached है। सेकेंड पोलर तो है यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है लेकिन वो अन आयनाइज्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको NH2 सी डबल बॉन्ड वो नज़र आ रहा है लेकिन कोई चार्ज सेपरेशन इस साइड चेन पे नज़र नहीं आ रही। थर्ड है कि ये साइड चेन एसिडिक है क्योंकि इट इज़ कैरिंग विच ग्रुप, COH ग्रुप। एंड लास्ट वन इज कि ये क्या है, बेसिक, बिकॉज इट इज़ कैरिंग विच ग्रुप, NH2। तो हमने चार टाइप्स पढ़ी, नॉन पोलर, देन पोलर बट अनआयोनाइज्ड, एसिडिक एंड बेसिक।